हाई फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ECP, वेलकम ऑन यूरपीडिया। मेरा ये वीडियो है फॉरेन एडमिशन से रिलेटेड। पंजाब से बहुत सा स्टूडेंट्स फॉरेन एडमिशन के लिए एस्पायर करता है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए एस्पायर करता है, बाहर जाने की ट्राई करता है और उसमें गलतियां भी करते हैं। बहुत सा स्टूडेंट्स ऐसा है जो फॉरेन कंट्री में जाने के लिए एजेंट्स को पकड़ते हैं और वो एजेंट्स उनको प्रोमिसज़ करते हैं कि हम आपके एडमिशन दिलवा देंगे, हम आपका फ़ाइल लगवा देंगे, आप उनको बहुत सा पैसा भी देते हो, वो आपकी बहुत ही सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करवा देते हैं और कई बार वो फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती, आपका पैसा वेस्ट होता है और उसके साथ आप वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिलता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हैं, जैसे अगर आपने साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और आप अच्छा करियर चाहते हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई ना करें और एजेंट्स को सडनली पैसा ना दें। अंडरस्टैंड करें होता क्या है कि इंडिया के अंदर, मैं एग्जांपल लूँ, इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत से हैं। अगर कोई आपको ये आके बोलता है कि मैं आपके एडमिशन IIT में करवा दूंगा, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, आप हमें इतना पैसा दे दो, मैं आपके एडमिशन करवा दूंगा, तो वो फ्रॉड कर रहा है, वो गलत बोल रहा है। वाई? बिकॉज IITs का किसी भी एजेंट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। IITs आपको एडमिशन देंगे आपके क्रेडेंशियल के बेस पे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको कोई बोले कि मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा एडमिशन कैसे लेनी है, आपको तैयार कर दूंगा, आपकी मेंटरिंग कर दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। कोचिंग बिजनेस वैसे ही चलता है, जैसे आपको पढ़ाया, आपका गेट एग्ज़ाम निकलवाया, फिर आपको पढ़ाया, उसने आपका एप्लीकेशन लगवाया, उसने आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई बोलता है तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारी एडमिशन करवा दूंगा, तो वो गलत तरीके से आपको भेज रहा है, यू शुड अवॉइड दैट। पीछे से बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं स्टूडेंट्स की, जिनका फाइल लगवाई गई और जो फंस गए और उनका पैसा वेस्ट हो गया। अगर आप अच्छी बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, दूसरा आप जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे वहाँ से तो आपको जॉब्स भी मिलेंगी। जो स्टूडेंट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर रीजन का है, वो खासकर इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि मैक्सिमम एजेंट इस रीजन में ऑपरेट करते हैं जो आपको फ्रॉड करते हैं, और आपको अगर भेज भी देंगे तो क्वालिटी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से केसेस आए जहां पे आपका एडमिशन हो गया US में, लेकिन MS में एडमिशन हुआ, आपने 30-40 लाख रुपये डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन आप जो वीज़ा के लिए जब गए तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वाई? बिकॉज वो यूनिवर्सिटी फ्रॉड था। तो आपको उन चीज़ों से अवेयर होना है। अब ये एक नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक की तरफ से है। पहले मैं आपको जर्मन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक के बारे में बता दूँ। जैसे इंडिया में 7 पुराने IITs हैं और 23 टोटल IITs हैं और IIT रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, IIT NIITs रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, वैसे ही जर्मनी के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो। TU9 जो है वो इंजीनियरिंग, मैथ, साइंस के बच्चों के लिए हैं, वैसे TU17 है, 17 यूनिवर्सिटीज है, लेकिन 9 बहुत ही रेप्यूटेड है, उसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अब अगर कोई एजेंट ये बोल रहा है, आपने बोला मेरे को साहब जर्मनी में पढ़ने जाना है, कहाँ जाना है? जैसे इंडिया में आप बोलोगे मेरे को IIT में पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, IIT में पढ़ना है, आपने एक नाम ले लिया IIT दिल्ली में पढ़ना है, IIT खड़गपुर में पढ़ना है, वैसे बच्चों ने नाम उनको पता होते हैं, उन्होंने बोला मेरे को TU म्यूनिक में पढ़ना है, तो एजेंट ने बोल दिया ठीक है मैं तेरी एडमिशन TU म्यूनिक में करवाऊंगा, और फिर वो फ्रॉड जब करना स्टार्ट करते हैं तो इवन मेल अकाउंट भी वैसा ही बना लेते हैं और फिर आपको शो करेंगे कि आपका देखो मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ से आपका रिजल्ट भी आ गया, उन्होंने हाँ बोला है, आपको इतने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, फिर आप उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा देते हो और वो ये बोलते हैं कि मैंने आपको एडमिशन दिलवा दिया है वहाँ पर, ऑलमोस्ट आपका एडमिशन हो चुका है। फ्रेंड्स, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक का ये नोटिफिकेशन पढ़ना, ये किसी भी एजेंट के साथ डील नहीं करता। टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक किसी एजेंट का डील नहीं करता। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो मत लेना, दैट इज़ नॉट गुड। आपको खुद अप्लाई करके यूनिवर्सिटीज़ की बेसिकली वेबसाइट्स पे आपको जाना होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है आपको कि मैं आपको गाइड कर देता हूँ, तो उससे ये जरूर पूछो कि तुम गाइड करोगे कैसे, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, सॉरी तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, क्या तुम खुद क्वालिफाइड हो, क्या तुमने खुद में एडमिशन लिया है, या तुम खुद उस चीज़ का एक्सपोजर है। कोई ऐसा एजेंट जिसने खुद कभी इंजीनियरिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाने की अगर बात कर रहा है, तो वो फ्रॉड होने के चांस हैं बहुत ज़्यादा। सो डोंट गेट इन ट्रैप ऑफ दैट। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से असेस करना है, और ज़रूर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप उनके ऑफिसेज में विजिट करो,
आप अगर कोई एडमिशन के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ जाओ और किसी से मिलो जो एजुकेटेड हो, जो इस चीज़ के बारे में जानता हो, जिसको नॉलेज हो, तो फिर अकॉर्डिंगली आप आगे प्रोसेस करो। बात ओनली आपके पैसे की नहीं है, 1-2 लाख रुपए की वो नहीं है बात है, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ फॉरेन लैंड में आप अगर आप ट्रैप में फंस गए तो ट्रबल हो सकता है, जो बहुत से नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ अभी हो भी रहा है। सो डोंट डू दैट। अगर आपका ड्रीम है फॉरेन एजुकेशन परस्यू करने का, आप काउंसलिंग करो, आप इंटरेक्ट करो, इवन आपके जो यूरोपीडिया के मेंटर हैं ग्लोबल के, वो आपको गाइड करेंगे, उनसे डिस्कस करो, तो आपको सारा थॉरली पता लग जाएगा। एजेंट्स के ट्रैप में मत आना। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया फ्रेंड्स, इसको पढ़ लो, वीडियो रोक के ढंग से, यहाँ से आपको आइडिया लग भी जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, सो लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में आ सकते हैं, एंड यू कैन विजिट अस। थैंक यू।